पीकबू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बच्चा पीकबू एक्टिविटीज को एंजॉय कर रहा है, हाइड एंड सिक गेम को एंजॉय कर रहा है। क्या आप हाइड एंड सिक गेम्स खेल रहे हैं कि नहीं? कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसे छुपा दीजिए और देखिए आपका बच्चा उसे ढूंढता है या नहीं। अगर वो उसे ढूंढ रहा है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव स्किल सीख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो जनरली 6 मंथ तक डेवलप हो जाता है। वेल, 6 मंथ की बात करें तो आज हमारे वीडियो में हम 5th मंथ एंड 6th मंथ के बच्चों को किस तरह के बुक्स रेकमेंड किए जा सकते हैं और कैसे उसे इंट्रोड्यूस करना है धीरे धीरे और क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्ल्ड में सबसे स्वीटेस्ट साउंड क्या है? बट अ बेबी गिगल्स। तो ये आपको 5th मंथ में देखने मिलता है एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनकी विजन, साउंड एंड जो मैनुअल डेक्सटेरिटी है वो भी इम्प्रूव होने लगती है। माने 5th मंथ में अगर आपका बच्चा पूरे फिंगर्स को यूज़ करते हुए टॉयज़ को पकड़ता है तो आप देखेंगे कि 6th मंथ में उनकी मैनुअल डेक्सटेरिटी बढ़ जाती है, यानी एक टॉय को लेफ्ट से राइट हैंड, राइट से लेफ्ट हैंड में रख सकते हैं, ऐसे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना। 6 मंथ में बच्चों का ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना बेहद ज़रूरी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव स्किल है। इसका मतलब क्या होता है? इवन इफ योर बेबी कैन नॉट सी हिज फेवरेट टॉय बट इट स्टिल एग्जिस्ट, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप अपने बच्चों का फेवरेट टॉय छुपा देते हो और अगर वो गर्दन हिलाते हुए यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, इसका मतलब बेबी को ऑब्जेक्ट परमानेंस कंसेप्ट समझ आ गया है एंड दैट कॉग्निटिव स्किल हैज बीन डेवलप्ड। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चों को हाइड एंड सीक या पीकबू गेम्स जो है इस स्टेज पे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत एक्साइटिंग लगते हैं। तो आपने क्या करना चाहिए? आपने उसे बुक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 2 तरह की बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। 1 इज अ लिफ्ट द फ्लैप बुक एंड 2nd इज पीकबू सीरीज बुक। आज हम बात करेंगे पीकबू सीरीज एंड लिफ्ट द फ्लैप बुक के बारे में। इसके जितने भी डिटेल्स हैं यानी जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड ये वीडियो जो है ये जनरल वीडियो है जिसमें मैं बुक्स के बारे में बात करूंगी, और अगर आप कोई डेमो वीडियो देखना चाहते हैं यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं उस वीडियो को, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आई विल शेयर अ डेमो लिंक एज वेल। क्यूरियोसिटी की बात करें तो आप अपने बच्चों को बुक्स में भी क्यूरियोसिटी डेवलप करा सकते हैं। कोई भी जो बुक आप पढ़ाए तो उसे फिंगर पॉइंटिंग जो साइन है वो ज़रूर सिखाइए। फिंगर पॉइंटिंग क्यों सिखाना ज़रूरी है? बिकॉज धीरे धीरे जब आप ये डेवलप करोगे तो बेबी साइन सिखा रहे हो। बच्चों का स्ट्रेस डेवलप होता है बिकॉज पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऑफकोर्स दे बैबल, दे डोंट टॉक लाइक अस। सो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा साइन लैंग्वेज जो है वो अभी से सिखा दे बुक्स के थ्रू तो आसान होने लगता है कॉन्वर्जेशन करना। जैसे ये एक किताब है पीकहू बुक, जो मेरी बेटी का आज भी फेवरेट है। इसको कभी कभी मैं पढ़ा देती हूँ एंड दिस हैज़ सम इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। ऐसे देखा जाए तो ये बहुत सिंपल बुक है मगर इसमें आप डेवलप कर सकते हो उनकी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे एक एक पिक्चर ओपन करते हुए। जैसे इस बुक को जब आप ओपन करते हो देर इज़ समथिंग रिटन ऑन इट, दैट इज पीकहू, राइट? सो इन एवरी बोर्ड इट इज़ रिटन पीकहू एंड वेन यू वॉन्ट टू रीड इट यू कैन से दैट पीकहू पीकहू हु आर यू, peekahoo peekahoo who are you, and then it's written peekamoo, I am a cow and I say moo, and then you know you can move on to the next page where you can say peekahoo peekahoo who are you, peekahoo peekahoo who are you, I'm a boo, because that's what you play in your hide and seek games as well. तो इसका डेमो लिंक मैं आपसे शेयर कर लूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो थ्रू इट। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? विथ एवरी फ्लैप देर इज सम न्यू पिक्चर कमिंग आउट एंड दैट यू नो दैट मेक्स देम रियली एक्साइटेड एंड दे एंजॉय यूजिंग इट। एंड सिमिलरली यू विल सी दैट थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि बच्चे खुद भी उसे फिंगर पॉइंट करने लगते हैं एंड दे टेंड टू डांस एज वेल व्हेन दे यू नो व्हेन यू रीड दिस बुक। ऑफकोर्स ये आपके एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, आप भी सुपर एनर्जी के साथ इस बुक को पढ़ाइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है एंड इसमें सिंपल पिक्चर्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है, वेर आई से दैट पीकहू पीकहू हु आर यू। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग बुक विच इज कॉल्ड एज लिफ्ट द फ्लैप बुक। Now this is about Buster going to his grandma's place and grandma कहती है कि मुझे अंडे जो है वो ला के दो अपने फार्म से।
तो बस्टर बेचारा हर एक एनिमल को, हर एक एनिमल के जो शेड है, स्टेबल है, हर जगह जाता है एग्स को ढूंढने के लिए, और उसे समझ नहीं आता कि एग्स कहाँ है. एंड देन फाइनली ही फाइंड्स द एग्स इन अ हेन हाउस. तो उसकी जर्नी बताई गई है इस बुक में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इस बुक को डायरेक्टली ऐसे ही ना पढ़े, हर बार जब आप बुक को पढ़े तो आप उसे इंटरेस्टिंग साउंड्स भी यूज़ करें. जैसे एनिमल साउंड्स, एनिमल्स है तो एनिमल्स के साउंड्स निकाले. सो ही वेंट टू द बार्न, और ही वेंट टू द यू नो स्टेबल. सो लेट्स से यू नो ही वेंट टू द बार्न एंड आस्क द काउ, एंड द काउ सेड मून, नो एग्स हियर. सो ही सेज ओ डियर नो एग्स हियर, ओ डियर नो एग्स हियर. तो इस तरह से आप इन बुक्स को पढ़ा सकते हो. आई विल शेयर द डेमो लिंक. डेमो लिंक में कैसे पढ़ाना है वो भी डिटेल्स जो है मैं इसमें दे दूंगी. सो इट हैज़ गॉट ऑल द इंटरेस्टिंग एनिमल्स एंड कुछ अभी तो ये बहुत सारे फ्लैप्स मेरी बेटी जो है वो निकाल चुकी है, मगर एक ऐसा फ्लैप है जो बचा है अभी तक, तो मैं वो शेयर कर सकती हूँ. सो ही वेंट टू द पॉन्ड एंड आस्क द क्वैक क्वैक डक, एंड द डक सेड नो एग्स हियर, ओ डियर नो एग्स हियर, oh dear no eggs here. And then he moves on to the other animals till he finds the hen house. Another interesting book is Dear Zoo. Dear Zoo एक बहुत ही interesting किताब है जिसमें animals के बारे में information दिया गया है, which says that I wrote to the zoo to send me a pet and they sent me a heavy package and then open the flap and say एलिफेंट. इस तरह से अलग अलग एनिमल्स दिए गए हैं एंड हर एक एनिमल को एक एडजेक्टिव लगाया गया है. यानी अगर जिराफ है तो इट सेज टॉल, सो आई सेंट हिम बैक. एंड देन अगर लायन है तो डेंजर, इट सेज फियर, सो आई सेंट हिम बैक. एंड देन स्नेक है तो इट सेज दैट स्कैरी, सो आई सेंट हिम बैक. इस तरह से अलग अलग एनिमल्स दिए गए हैं, जैसे पपी है. एंड देन फाइनली ही फाइंड्स अ पपी एंड देन ही कीप्स इट. तो इस तरह से आप जब वोकैबुलरी बिल्डिंग की बात करें तो ओ डियर इज परफेक्ट. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग के साथ साथ स्टोरी नरेशन भी चाहिए, तो स्टोरी नरेशन के लिए ओ डियर इज अ परफेक्ट बुक, बिकॉज उसमें बस्टर की जर्नी दी गई है जहाँ पे वो अपने ग्रैंडमा के पास जाता है एंड ही इज लुकिंग फॉर अ एग एंड ही आस्क ईच एंड एवरी एनिमल थ्रू आउट द फार्म. तो ये दो किताब है, इसमें ये एक बेसिक डिफरेंस है. नाउ इट इज अप टू यू, इफ यू आर लुकिंग फॉर वोकैबुलरी गो फॉर डियर जू, इफ यू लुकिंग फॉर ऑलराइट. सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग बुक. लिफ्ट द फ्लैप की बात, दिस इज अनदर ब्यूटिफुल एंड एडोरेबल बुक जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल है, इसके पिक्चर्स बहुत ब्राइट है एंड थ्रू आउट द बुक आप बहुत इंटरेस्टिंग वे से अपने बच्चे से कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं. कैसे? यू कैन जस्ट आस्क योर बेबी वेयर आर माई बेबीज आईज एंड देन लिफ्ट द फ्लैप हियर एंड से अंडर हर हैट. So when you say that, you are also developing the vocabulary of your baby by saying hat kya hai usse samajhne lagta hai, eyes kya hai usse samajhne lagta hai. एंड धीरे धीरे मूविंग ऑन, इस बुक में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप उसे बिल्ड कर सकते हो, जैसे कप है, आईज, नोज, बेली बटन, ये के अंडरस्टैंडिंग एक इंटरेक्टिव वे में आप सिखा सकते हो. सो दिस इज़ वन बुक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसके और भी सीरीज़ है, जैसे बेबी लव समर, बेबी लव स्प्रिंग, वेयर इज़ माई बेबीज यमी टमी, इस तरह के समझ रहे. आई सजेस्ट कि आप एक बुक खरीदें और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उसे कनेक्ट करता है तो आप बाकी सीरीज भी देख सकते हैं. पॉप अप पीकाबू अंडर द सी. नाउ दिस इज हाउ यू कैन नरेट दिस बुक. इस किताब को जब आप नरेट करें तो बहुत इंटरेस्टिंगली वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ नरेट करें. लाइक दिस से पॉप अप पीकाबू अंडर द सी. Stripy fish and her friends are playing hide and seek. Who's behind the shipwreck? Let's take a peek. Let's lift the flap and see. Peekaboo! It's diving dolphin. Now Stripy fish and her friends are looking out for one more friend. Stripy fish looks for her next friend. Could he be hiding here? Watch out for his pincer claws. Oh, it's hermit crab. Peekaboo! Stripy fish swims further on and finds her treasure chest. She swims closer to look inside. Who's hiding? Have you guessed? Oh, it's Ollie the octopus. It's Ollie the octopus.
Now this is one of the beautiful picture that this book has, क्योंकि ओली द ऑक्टोपस व्हेन इट ओपन्स एवरी चाइल्ड लुक्स एट ऑ, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. विजुअल जो पिक्चर होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों के लिए. तो विद एवरी बुक एवरी पेज यू कैन नरेट द स्टोरी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, एंड यू विल सी दैट ईच फ्लैप कम्स आउट विद अ पॉपअप विच हैज़ एन एनिमल, एंड वो माइंड में रजिस्टर हो जाता है बिकॉज अलग अलग उसे टैगलाइन दिए गए हैं. स्पॉटी द सी हॉर्स और ओली द ऑक्टोपस, हर्मिट क्रैब. Now this becomes very easy for the child to build vocabulary as well. So go for this book if you're looking for vocabulary and an interesting storyline. So this is a book which is on a higher side, but it's worth the. Under the Ocean Flap book, a बहुत ही basic book है. It is a budget book. If you're looking for a budget book and an informative book, you can go for this book. इस book में बहुत interesting animals है, and हर animal को एक word दिया गया है, एक tag दिया है. जैसे Sharky the shark और Lobby the lobster, इस तरह के अलग अलग animals दिए हैं. So vocabulary building के लिए ये काफ़ी अच्छा है. But if you're looking for a book which is on a higher side and has a storyline, तो आपके लिए पॉपअप अंडर द सी किताब जो है वो बहुत ही अच्छी होगी. दोनों किताब ही इक्वली अच्छी है वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, बट येस द सेकेंड बुक हैज अ स्टोरी लाइन एज वेल. सो द चॉइस में दिस इज वन टच एंड फील बुक जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वेरी कलरफुल एज वेल, जस्ट लाइक पॉपअप पीकाबू. इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. इट्स कॉल्ड एज दैट्स नॉट लैम्ब, दैट्स नॉट माई लैम्ब. इसे मैं गा कर सुनाती हूँ अपने बच्चे को जब भी उसे इंटरेस्टिंग लगता है. अगेन दिस इज़ द सेकेंड बुक जो मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ. आपका बुक्स का जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत लॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि आपका बेबी जो है जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उनके लिए रेपिटेशंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. जब तक आप उस किताब को दिखा सकते हो, जब तक उसे इंटरेस्टिंग लगता है, तब तक उसे कंटिन्यूसली रीड करते रहे. वंस इन अ वाइल व्हेन दे गेट बोर्ड विद द सेम ओल्ड बुक्स, गो फॉर दीज काइंड ऑफ बुक्स. दिस इज़ अगेन अ बुक विच हैज़ टच एंड फील ऑब्जेक्ट्स. जैसे मैं हमेशा जब भी इसे पढ़ाती हूँ तो मैं गा कर पढ़ाती हूँ. दैट्स नॉट माई लैम्ब, इट्स नोज इज टू रफ. And then go for the next page. That's not my lamb, its hooves are too bumpy. And then you know you ask your child to touch those objects. इसे बहुत important है कि इसे feel कराना ज़रूरी है. And ऐसे इस किताब में बहुत सारे other you know phrases हैं, like that's not my lamb, its hooves are too bumpy, or its spots are too fluffy. इस तरह से बहुत सारे ऐसे information दिए गए. It's a very small book. बट अच्छा लगता है, इसे गाकर सुनाइए, बहुत मजा आएगा. ठीक है, सो दैट्स नॉट माई लैम्ब. दैट्स नॉट माई लैम्ब के अलग अलग सीरीज है. दैट्स नॉट माई लैम्ब के सीरीज में दैट्स नॉट माई डक है. देन देर इज अ बुक कॉल्ड इज दैट्स नॉट माई काउ. देन देर इज अ बुक ऑन दैट्स नॉट माई पपी. एंड देर इज अ कार सीरीज एज वेल, दैट्स नॉट माई कार. ये भी एक किताब है. एक सजेशन, जब भी आप किताब खरीदने जाए तो डोला टेक्निक को हमेशा अप्लाई करें. अब ये डोला क्या है? D stands for design. किताब में pictures और beautiful illustrations हमेशा bright, colorful होने चाहिए. हमेशा याद रखिए, जब भी आप informative किताब खरीदें तो one per page rule apply होता है. एक पेज पर एक पिक्चर. शॉर्ट स्टोरीज होते हैं तो उसमें दो से तीन ऑब्जेक्ट्स तो आपको हमेशा मिलेंगे. एंड यस, लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए. शॉर्ट सेंटेंसेस रखें. अगर शॉर्ट सेंटेंसेस होगा तो आपके बच्चे के माइंड में जल्द ही रजिस्टर होगा. एंड यस, रीड इट अलाउड. बेबीज आर ऑलवेज ऑब्जर्विंग यू. देयर विजन एंड साउंड इज रियली इंपॉर्टेंट.